सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं भरमा टिंडा। तो इसके लिए हमने आधा किलो टिंडे लिए हैं और 3 बड़े प्याज हैं, उनको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो बाकी मसाले लगेंगे इसमें, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ही मैंने अमचूर पाउडर लिया है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो इसमें आप आम का जो मसाला होता है अचार का, तो वो भी डाल सकते हैं। खट्टे के लिए डालना है आपने तो इसको। इसमें हमने 1/2 चम्मच लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच ही हमने नमक लिया है, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, और थोड़ी सी मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च ली है, और ये मैंने धनिया चॉप कर लिया है और 2 हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है। और पकाने के लिए हमें मस्टर्ड ऑयल लगेगा, तो ये ऑयल आप कोई भी ले सकते हो, मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। तो सबसे पहले अब हमने टिंडे धो लिए हैं, साफ कर लिए हैं, और ऊपर से अब हम इन्हें छीलेंगे थोड़ा थोड़ा। इन्हें हमने पहले ऊपर से इसकी टिप साफ कर देनी है अच्छी तरह, और इस तरह आप थोड़ा थोड़ा साफ इसको कर लें। अगर आपके टिंडे बिल्कुल कच्चे हैं तो आपको इन्हें छीलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इसको साफ कर रही हूँ। इसी तरह हमने सारे टिंडे साफ कर लेने हैं। अब हमने इन्हें साफ करके अच्छी तरह धो लिया है, अब हम इन्हें कट लगाएंगे। देखिए, ये एक लिया हमने 20, जिसका इसके इस तरह नीचे रखेंगे और इसको कट लगाएंगे। कट हमने पूरा नहीं लगाना है, इतना छोड़ देना है, मतलब अलग नहीं करना ये आपस में, और इसको इस तरह खोल लेना है फेस इसका। ये 4 कट कर देने हैं इसके, सभी टिंडे में आपने इसी तरह करना है। ये देखिए इस तरह, इन सब में हमने इस तरह कट्स लगाने हैं। ये देखिए टिंडे हमारे बिल्कुल कच्चे हैं अंदर से। जब भी आप टिंडे खरीदने लगें और इन्हें बाजार से लें, तो ये बहुत ही ज़्यादा कच्चे होने चाहिए। अगर बीज वाले हुए तो इनमें टेस्ट ही नहीं आएगा, बिल्कुल बेकार से बनेंगे वो। अब मसाला बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, उसे गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब हम ऑयल डालेंगे इसमें 2 चम्मच, 2 छोटे चम्मच ऑयल के डाले हैं, और इसे हमने अच्छी तरह गर्म करना है, क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है, इसे हमने पकाना होता है। अगर आप रिफाइंड वगैरह ले रहे हो तो उसे इतना ज़्यादा हीट करने की जरूरत नहीं होती, इससे बिल्कुल धुआं निकलने तक हम पकाएंगे। अब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा क्रैक हो गया है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। जो भी हम भरमा चीज बनाते हैं, जैसे करेले, शिमला मिर्च, कुछ भी बनाएंगे तो उसमें थोड़े प्याज ज़्यादा लगते हैं, तो ये आपने अच्छी तरह भूनने हैं। ऑयल में कम डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल तो खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे आप डाल सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 2 चम्मच ही डाल रही हूँ, और जब मैं टिंडे फ्राई करूँगी तो उसमें भी मैं बहुत कम ऑयल डालूँगी। अब प्याज हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, हमने इसे अच्छा भूनना है, ताकि जो टिंडे हैं अंदर से, जैसे मसाला अंदर भरेंगे तो ये कच्चा ना रह जाए। पहले हमें मसाले को अच्छी तरह पकाना है, इसे हम अब गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह पकाएंगे। अब देखिए प्याज हमारे अच्छे भुन गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालनी है, तो 1/2 चम्मच मैंने हल्दी का डाला है। अब इसमें मसाले जाएंगे सारे, सूखे मसाले डालने हैं, धनिया और हरी मिर्च अभी नहीं डालेंगे। हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च, ये सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब स्पाइसेस सारे भून गए हैं अच्छी तरह, अब हम इसमें धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे थोड़ा सा।
ये मसाला हमारा अब रेडी हो गया है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम टिंडे फिल करेंगे। अब देखिए मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसे फिल करेंगे टिंडे के अंदर। तो अब हमने एक एक पीस लेना है। पीस लेके उसके अंदर इस तरह पहले फिंगर रख लेनी है आपने, क्योंकि इसका फेस खुल जाए, और थोड़ा सा मसाला इसके अंदर इस तरह चम्मच से भरना है। और अब सेकंड साइड भी इसी तरह करना है। इस तरह फेस खोलेंगे इसका और इसे मसाले को अंदर डाल देंगे। जो ये फिलिंग बनाई है, जो इसमें स्पाइसेस वगैरह हैं, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। देखिए कई लोगों का अपना अपना, हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, आप उस हिसाब से इसे ऐड कर लें। तो इसी तरह मैंने सारे टिंडे भर के रख लेने एक साइड में, बाद में हम इन्हें पकाएंगे। मैं चम्मच से इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हाथ सारे पीले हो जाएंगे, इसलिए स्पून की हेल्प ले रहे हैं। अदरवाइज आप अपने हाथ से भी इसके अंदर मसाला भर सकते हो। अब टिंडे हमने इस तरह भर लिए और ये मेरे पास थोड़ा सा मसाला बच गया है, तो इसको हम यूज करेंगे, वो हम आपको बाद में बताते हैं। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। अब टिंडे फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच ऑयल के डाल देंगे। इसे हम इस तरह हिलाकर अच्छी तरह, मस्टर्ड ऑयल है ये भी मेरा, इसको हमने धुआं निकलने तक पकाना है। अब हम ऑयल चेक करते हैं कि गर्म हो गया है, तो ये अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसमें टिंडे ऊपर की तरफ फेस करके रखेंगे। अब हमने इन्हें फ्राई करने के लिए डाल दिया है और ये थोड़ा सा जो मसाला बचा था ये हम ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि ये साइडों में भी लग जाएगा जब ये पकेंगे। और अब हमने गैस लो कर देनी है और इन्हें ढकना है। गैस की फ्लेम स्लो कर दी है और अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक पकने देंगे, ताकि ये नीचे से अच्छी तरह पक जाएं, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसे ढक्कन उतारेंगे। इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए ब्राउन नीचे से हो गया है मसाला, तो वन साइड ये पक चुके हैं। अब हम इनका फेस चेंज करेंगे इस तरह, क्योंकि हमने इस साइड से भी पकाने हैं। इनका हमने फेस अब नीचे की तरफ कर देना है। और नीचे वाले मसाले को हिला देना है, क्योंकि ये जले ना। और आप फिर फेस चेंज करने के बाद अब हम फिर 5 मिनट के लिए इन्हें ढककर पकाएंगे। ये टिंडे अब हमारे बिल्कुल अच्छी तरह पक गए हैं, लेकिन मैं 2-3 मिनट के लिए इन्हें और पकने दूंगी, ताकि इसमें जो मॉइस्चर वगैरह है वो अच्छी तरह निकल जाए और ये अच्छी तरह और पक जाए। 2-3 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे। हमने गैस बंद करके कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। अब हम इन्हें सर्व कर देंगे। आपको टिंडे पकने का इस तरह पता चल जाएगा कि टिंडे खुल जाते हैं। जब ये पक जाएंगे अच्छी तरह, ये खुल जाएंगे, तो इन्हें हम सर्व करेंगे। अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं टिंडे, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमें टेस्टी नहीं लगते हैं। आप इस तरीके से बनाओगे तो कोई मना नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे हम किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक गुड बाय।